Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن الله غفور حليم. तमाम किस्म की तारीफ़ात हमदो सना की बड़ाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है और बेशुमार दरूदो सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का एक टुकड़ा मैंने आपके रूबरू पढ़ा है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी दो सिफात का ज़िक्र किया है। पहली सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर है, वो बंदे के गुनाहों को, लगदिशों को, मासियतों को, नाफरमानियों को माफ़ फरमाता है। और दूसरी सिफत ये बयान की अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है। एक है इल्म अलीम, दूसरा हिल्म हासे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिल्म वाला है। अब ये हिल्म क्या चीज़ है? अफवो दरगुदर से मामला करना, ठंडे मिजाज से मामलात को हल करना, कोई जहालत करे जवाब में जहालत से पेश ना आना, कोई गाली गलूच करे जवाब में गाली न देना, कोई बदतमीज़ी करे, बद कलामी करे, बद ज़ुबानी करे, जवाब में बदतमीज़ी और बद ज़ुबानी न करना। हमारे आस पड़ोस रहने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारा पड़ोसी हो, कोई भी हो, हमसे कैसा भी बुरा से बुरा मामला करे, अखलाक का, शराफत का, इंसानियत के दामन को थामे रखना, यह है हिल्म। हिल्म एक ऐसी मुबारक सिफत है लेकिन आज लोगों के अंदर उतना ही फुकदान है इसका। आज लोगों का दामन इससे खाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बुर्दबार है, और अल्लाह की इस सिफत को समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह के जो 99 नाम है ना, जो असमाए हुस्ना है, उन 99 नामों में से एक सिफत हलीम भी है। अल्लाह की अगर ये सिफत न होती, अगर अल्लाह हलीम न होता, अल्लाह हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारे खताओं के बावजूद वो हमें नवाज रहा है कि नहीं नवाज रहा है, वो हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, खिला रहा है पिला रहा है,
अगर अल्लाह हलीम न होता तो इस कायनात में किसी भी नाफरमान को पानी का एक घूंट नसीब नहीं होता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम ना होता तो लोगों की जहालतों, गुस्ताखियों, बेअदबियों, गुनाहों की वजह से कब हम हलाक हो गए होते, हम बर्बाद हो गए होते, हम अजाब का लुकमा बन गए होते। लेकिन यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत हिल्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है कि वो हमें नवाज भी रहा है, वो हमें दे भी रहा है, वो हमें खिला भी रहा है, वो हमें जीने का मौका भी दे रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हलीम है तो वो चाहता है कि बंदों के अंदर भी ये सिफत आए, वो चाहता है कि मेरा बंदा भी हलीम बने, बुर्दबार बने, तहम्मुल हो उसके अंदर, कुव्वत बर्दाश्त और सब्र का मादा हो उसके अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके से बहरैन से एक वफद आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहरैन से एक वफद आया, वफद का नाम था अब्दुल कैस, और उस वफद के जो सरदार थे उनका नाम था अशद। जब ये वफद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसके जो सरदार थे उनकी सिफात को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ करते हुए फरमाया, या अशद इन नफी का लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह। कहा, अशद आपके अंदर दो सिफात ऐसी हैं, युहिब्बुहुमुल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी कौन सी सिफात दो है मेरे अंदर जो मेरे रब को प्यारी है, जो मेरे रब को महबूब है? कहा, अशद पहली सिफत तो ये अल हिल्म, तुम बड़े हलीम मालूम होते हो, तुम्हारे अंदर बड़ा सब्र है, तुम्हारे अंदर बड़ा तहम्मुल है, तुम्हारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त है। और दूसरा वल अनात, सलीके से काम करते हो, तरीके से काम करते हो, सोच समझ कर काम करते हो, जल्दबाजी के बगैर काम करते हो। ये दो सिफत ऐसी है जिस इंसान के अंदर भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो इंसान बहुत महबूब है, अल्लाह का प्यारा बंदा है। मेरे भाइयों, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां को आप देखिए, इस हवाले से बेहतरीन नमूना पेश करती है कि अंबिया कितने बड़े हलीम होते, मामलात को दरगुजर करने वाले, गुस्से को पीने वाले। बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरे हुए अंबियाओं का हवाला देकर, अल्लाह के नबी से पहले जितने अंबिया गुजरे उनका हवाला देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने एक पैगंबर का जिक्र करते हुए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उस पैगंबर को उसकी उम्मत ने इतना मारा मार मार कर लहू लुहान कर दिया। पैगंबर को उम्मत ने इतना मारा जिस्म को छलनी कर दिया, जख्मी कर दिया पैगंबर को। और वो पैगंबर है कि जिस्म से बहते हुए खून को, जिस्म से टपकते हुए खून को वो पैगंबर पोछ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून अल्लाह, अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कौम को तू माफ फरमा दे क्योंकि ये लोग नबी के मकाम और मर्तबा को नहीं जानते। इन्होंने मुझे अभी जाना नहीं है, इन्होंने मुझे अभी पहचाना नहीं है। याद रखो, गौर कीजिए मेरे भाइयों, उम्मत मार रही है, पीट रही है, इतना मारा, खून बह रहा है, और नबी है कि खून को पोछ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं कि ये मेरी कौम है, अल्लाह ये मेरी कौम है, माफ फरमा दे।
और उज्र क्या पेश कर रहे हैं, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नबी के मकाम को नहीं जानते। तो देखिए मेरे भाइयों, एक नबी के अंदर कितनी वसात होती है, एक नबी का दिल कितना बड़ा होता है, समाज के लोगों की बदतमीजी, बदकलामी, बदजुबानी, गाली, गुस्ताखी, बेअदबी को भी अंगिया नबी खुशी खुशी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दामन हिल्म को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। बदला लेने का मिजाज नहीं था कि इंतकाम लूं, मुझे मारा, मैं भी अल्लाह से कहूं अल्लाह इनको तो फौरन हलाक कर दे। यही हुआ ना हमारे नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ गए तीन भाई, तीनों सरदार, तीनों के सामने इस्लाम पेश किया, तीनों ने कबूल नहीं किया। मशहूर वाक्य है ना मारूफ, किसी ने कबूल नहीं किया, उदास, नाउम्मीद, अफसोस जाहिर करते हुए ताइफ से निकल रहे हैं। लेकिन ताइफ वालों ने क्या किया, छोड़ दिया यूं ही, औबाशों बदतमीजों की लाइनें लग गई, बदमाशों की लाइनें लग गई, लाइन दोनों तरफ बदमाशों की लाइन है, बीच में नबी है, नबी के गुलाम जैद बिन हारिसा गुजर रहे हैं रास्ते से, कोई गाली दे रहा है, कोई ताना दे रहा है, कोई रास्ते में पड़े हुए पत्थर उठाकर नबी को मार रहा है, नबी को मार रहा है, कभी पत्थर नबी के सर मुबारक पे लग रहा है, कभी चेहरे पे लग रहा है, कभी जिस्म के किसी हिस्से पे लग रहा है। लिखा है ना सीरत निगारों ने, इतना खून निकला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से कि जूते में खून जम गया। फरिश्ता आ गया ऑप्शन लेकर, अल्लाह के नबी मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, अस्सलामु अलैक, मुझे अल्लाह ने भेजा है सिर्फ आपका एक हुक्म सुनने के लिए। वो हुक्म क्या, आप सिर्फ इतना फरमा दें कि क्या इस जालिम कौम से बदला लेना है कि नहीं, जिसने अभी आपको पत्थर से मारा है, लहू लुहान कर दिया है, जिस्म से खून टपक टपक कर जूते में जम गए, आप सिर्फ जबान हिलाइए इनसे बदला लेना है कि नहीं लेना है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इनसे बदला लेकर मैं क्या करूंगा, ये लोग मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, आने दीजिए, मुझे उम्मीद है अपने रब की जात से कि मेरा रब इनकी नस्ल से ऐसी औलादें निकालेगा, पैदा करेगा जो हमारे फरमाबरदार बने। पूरा कबीला ए सकी बाद में मुसलमान बना कि नहीं बना, अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात कैसे नमूने पेश करती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़िए, मुताला कीजिए। आपकी बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, एक बद्दू आया अल्लाह के नबी के पास, देहाती गांव का रहने वाला, काम क्या था, उसको बैतुल माल से हेल्प चाहिए, किस काम से आया, मांगने के लिए अल्लाह के नबी से हेल्प मांगने के लिए, ताउन मांगने के लिए, मुझे बैतुल माल से हेल्प चाहिए। तरीका क्या था उसका, आया अल्लाह के नबी के पास सीधे, आपने गले में चादर डाल रखी थी, चाहता तो वो बात कर सकता था आपको मुतवज्जे करने के लिए, लेकिन किया क्या उसने, चादर को इतनी जोर से खींचा, अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने देखा, फरहाई तो मैंने देखा कि उसके जोर से खींचने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में निशान पड़ गया। वो तो मुंह से ही बोल सकता था ना, मुझे हेल्प चाहिए, तरीका देखिए, आया कुछ बोला नहीं, गर्दन से चादर को खींचा, इतनी जोर से निशान पड़ गया। और फिर क्या कहता है, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, अल्लाह, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, आतिनी मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल के अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से मुझे माल चाहिए। और बाज़ रिवायत तो ये कहती है, उसने कहा ला तुअतीनी मिन मालिका वला माली अबीका, अल्लाह, मुझे वो माल चाहिए जो माल ना आपका है ना आपके वालिद का, जो माल अल्लाह ने आपको दिया है वो माल ना आपका है ना आपके अब्बू का है, बाप तक चला गया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देखा, क्या देखते हैं, एक देहाती है, बद्दू है, जिसके बारे में कुरान ने कहा है अल अराबु अशद्दु कुफ्रं व निफाका। अगर देहाती बद्दू, अगर काफिर हो तो कुफ्र में सख्त, अगर मुनाफिक हो तो निफाक में सख्त, अगर मुसलमान हो तो अदब व सुलूक अखलाक से नावाकिफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा, देखा देहाती है, फजहिक फजहिक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फरमाने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा वह अमर लहू बिल अता, सहाबा से कहा जाओ उसको कुछ दे दो, जाओ इसको कुछ दे दो। देखिए गौर कीजिए, चादर पकड़ के खींच रहा है, बदतमीजी कर रहा है, सिर्फ आपको नहीं आपके अब्बा तक चला गया, और नबी का रिएक्शन क्या है, फजहिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे उसका दिल जीतने के लिए। यह है नबी का अखलाक, यह है नबी का हिल्म। एक नबी के दिल में कितनी वसात होती है, एक नबी का दिल कितना बड़ा होता है। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा आदमी आया जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज ले रखा था, एक जानवर कर्ज ले रखा था अल्लाह के नबी ने। वापस करने की जो मुद्दत थी, जो वक्त था, जो टाइम था, उससे पहले आ गया और आकर के फअगलज़ लहुल कौल, बहुत बदतमीजी करने लगा। अभी वक्त बाकी है वापस करने का, टाइम नहीं आया है, जो वक्त मुतय्यन है वो वक्त नहीं आया है, वक्त से पहले कर्ज लेने के लिए आ गया। फअगलज़ लहुल कौल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी करने लगा, बेअदबी करने लगा, नबी की गुस्ताखी करने लगा, बदतमीजी करने लगा। फहम्मा बिही अस्हाबु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी कर रहा है। फहम्मा बिही व अस्हाबु, सहाबा ने चाहा पकड़े और मारे, सहाबा ने चाहा पकड़े और मारे इस बदतमीज को, बद अखलाक को, जो नबी से बद अखलाकी कर रहा है, पूरे अखलाक से पेश आ रहा है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा सहाबा से, दाऊहू, छोड़ दो इसको, दाऊहू, छोड़ दो इसको, जो कहना है कहने दो, दिल की भरास निकालने दो इसको, कहने दो, दिल की भरास निकालने दो। और उससे बड़ी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिसाहिबिल हक मकाल, हर हकदार को कुछ कहने का हक होता है। उसका मैंने कर्ज ले रखा है, मुझे वापस करना है, लौटाना है, उसका हक है, वो अपना हक मांगने आया है। इन्ना लिसाहिबिल हक मकाल, हर साहब हक को कुछ कहने का हक होता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया और हुक्म दिया कि जाओ, जैसा जानवर, जितनी उम्र का जानवर मैंने इससे लिया है वापस कर दो, मैंने इससे लिया है जो जानवर जैसा, वापस करो। सहाबा गए, जाकर तलाश किया, वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवर की सिफत आपने बयान फरमाई है वापस करने के लिए, एक भी ऐसा जानवर नहीं है, जानवर ऐसा एक भी नहीं है, हाँ उससे बेहतर जरूर है, उससे अच्छा जरूर है, उससे नफीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उससे बेहतर ही सही, जो उससे बेहतर है वही दे दो, जो उससे अच्छा है, जो उससे बड़ा है वही दे दो, क्योंकि ये हुस्ने अखलाक का मजहर है। किसी से कर्ज लो, जब उसको वापसी अदा करने का वक्त आए तो अच्छे अंदाज में वापस करो, अच्छे तरीके से वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये होते हैं नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्तियां। एक नबी के अंदर हिल्म का मादा, हिल्म की सिफत किस हद तक होती है, इस वाकयात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाइयों,
कामयाब जिंदगी है वो, कामयाब है वो जिंदगी वो शख्स जिसके अंदर ये सिफत हिल्म हो, और नाकाम है वो जिंदगी जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त ना हो। मियां बीवी का मसला है, अगर दोनों एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का नहीं है दोनों के अंदर सलीका तरीका, वो जिंदगी नाकाम है। माँ बाप है वालिदैन है, अगर बच्चों की गलती को बर्दाश्त करने का मादा नहीं है वो जिंदगी बेकार है। जिस जिंदगी के अंदर सिफत हिल्म है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, सब्र है, कामयाब है वो जिंदगी, जिसके अंदर नहीं है नाकाम है वो जिंदगी। मेरे भाइयों, आज इसी हिल्म, इसी तहम्मुल, इसी सब्र, इसी बर्दाश्त की जरूरत है। वक्त का ऐन तकाजा है, वक्त का मुतालबा है हम ईमान वालों से, वक्त का सबसे अहम मुतालबा है हम ईमान वालों से। सब्र से काम लो, तहम्मुल से काम लो, जोश में भड़कने की जरूरत नहीं है, जज्बात की लौ में बहने की जरूरत नहीं है। बातिल बेदार हो रहा है, एक झूठ हो रहा है, मुत्तहिद हो रहा है, आप हक पे हो, आपके अंदर कितनी बेदारी है देखो। एक बात पे जवान के जवान इकट्ठे हो रहे हैं करोड़ों। हमारे नौजवानों का हाल तो यह है कि जुमे के दिन भी इस अंदाज में मस्जिद में आएंगे कि 10 मिनट में फारिग हो जाएं। कुफ्र को उरूज मिल रहा है, इस्लाम अजनबी हो रहा है, और मुसलमानों का हाल यह है चादर उड़ के सो रहे हैं। अल्लाह की सुन्नत रही है, जब कुफ्र को उरूज मिलता था, दीन अजनबी होने लगता था, अल्लाह नबी भेजता था। लेकिन अब नबी तो आने वाले नहीं है, नबी तो आने वाले नहीं है, अब तो आएगी कयामत ही आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए तो हश्र की अदालत रखी है, अल्लाह ने इसीलिए हश्र की अदालत कायम की है। इस दुनिया में जिसको हक नहीं मिलेगा, इस दुनिया में जिसको हक नहीं दिया जाएगा, हश्र की अदालत में अल्लाह उसको हक दिलवा के रहेगा। इस दुनिया के अंदर जिसकी हक तलफी हुई है, जिस पर जुल्म हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम से बदला लेगा। आप बेदार तो हो, अपने ईमान को देखो, ईमान की किस कैफियत पे खड़े हो, कितना इस्तकामत है। ये हालात सबसे पहले जो है ना हमारे ईमान पे ही वार करता, ईमान पे ही वार करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है ना कि देखे बंदा का ईमान कैसा है, कितना मजबूत है। हालात के बदलने की तरह से ईमान ही बदल जाता है कैसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखता है। ईमान पर कायम रहो, इस्तकामत दिखाओ, साबित कदम रहो, बर्दाश्त करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहो। सूरह कमर में अल्लाह ने एक दुआ बतलाई, बड़ी प्यारी दुआ, अल्लाह हो कहा अन्नी मगलूबुन फंतसिर। सिर्फ 3 कलमे की दुआ है, पहला अन्नी, दूसरा मगलूबुन, तीसरा फंतसिर। अन्नी मगलूबुन फंतसिर, इस दुआ का पावर, इस दुआ की पावर, इसका असर। इस जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला अजाब जो आया इसी दुआ का असर था। इस जमीन पर अल्लाह का जो सबसे पहला अजाब आया लोगों पर, इंसानों पर, अल्लाह के दुश्मनों पर, दीन के दुश्मनों पर, जो सबसे पहला अजाब आया इसी दुआ का असर था। दुआ किसने किया? नूह अलैहिस्सलाम ने, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया। 950 साल, अल्लाह हो, 950 साल समझाते रहे, बतलाते रहे, दीन की तरफ बुलाते रहे, लेकिन कौम का हाल क्या है? कुरान ने बयान किया है ना, इन्नी दाऊत कौमी लैलों व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं जब भी इनको तेरी तरफ बुलाता हूं मुझे देखकर रास्ता काट लेते हैं, मैं बुलाता हूं तेरी तरफ मुझे देखकर भागते हैं ये, और यही नहीं मर्द भी औरत की तरह पर्दा कर लेते। नूह अलैहिस्सलाम को देखकर, आपकी दावत को सुनकर मर्द वस्तगशौ सियाबहुम, जैसे औरतें पर्दा करती है ना, डालते दुपट्टा अपने चेहरे पे, इस तरह मर्द डाल लिया करते थे नूह अलैहिस्सलाम को देख करके। रात को बुलाया, दिन को बुलाया, अल्लाह बुला बुला कर थक गया हूं, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह बेबस हो गया हूं, तू इंतकाम ले, अल्लाह
बेबस हो गया हूं, हारा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूं, मगलूब हो गया हूं, मैं तेरा नबी हूं लेकिन मैं लोगों से हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, फंतसिर, जो बेहतर हो वो तू कर। अल्लाह क्या कहता, फतहना अबवाब السماء بماء منهمر, अल्लाह कह रहा है हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने चश्मे उबाल दिए, जहां जा रहे हैं वहीं से पानी, वहीं से पानी। सिर्फ जो कश्ती में बैठा था, जो कश्ती में सवार थे, चाहे चरिंद हो, हैवान हो, परिंद हो, कोई भी हो, इंसान हो, वही बचा, बाकी सब को अल्लाह ने हलाक किया, एक भी इंसान बचा। अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कुफर का उरूज है, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खर्राटे लेके सो रहे हैं, लंबे लंबे डकार मार रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बनी इसराइल ने कहा था ना, आप जाइए, आपका रब जाइए, जाके लड़ाई कीजिए, जब जीत जाए तो आके बतलाइएगा, हम भी दाखिल हो जाएंगे फलस्तीन में। यही हाल है आज मुसलमानों का, हम लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस हमें तो फास्ट फूड की तरह हर चीज फास्ट चाहिए, हमें फास्ट फूड की तरह सब कुछ जल्दी चाहिए, नमाज भी जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। अल्लाह के लिए जो आज वक्त नहीं दे रहा, जो आज अल्लाह के लिए जो जवान वक्त नहीं दे रहा है, वो कौम के लिए, मिल्लत के लिए क्या वक्त देगा? जो आज अल्लाह के दीन के लिए बेदार नहीं है, वो मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए क्या बेदार होगा? कुफ्र का कैसा बोलबाला, एक ऐलान पे, एक ऐलान पे लाखों नहीं करोड़ों। हमारे यहां पांच वक्त से हैया अलस सला, हैया अलल फलाह की निदा जाती है, आवाज जाती है, खर्राटे लेकर सो रहे। अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा। मैं सोऊं, अल्लाह से गलती मांगू, माफ कर देगा। गफूर है, कहार भी है वो, जब्बार भी है वो, अजीजुन ज़ुंतकाम भी है वो, अजाबन शदीदा भी है, सख्त अजाब वाला भी है वो। अल्लाह गफूर भी है, सब रही, माफ करेगा। मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा है, ऐन तकाजा है, मुतालबा है आपसे, तहम्मुल, बर्दाश्त, जज्बात में बहना नहीं है। ख़ासतौर पे मोबाइल का वक्त है, हर हाथ में मोबाइल है, किसी भी हादसे को लेकर, किसी भी वाकयात को लेकर, न जाने कब की वीडियो अपलोड कर दी, और हमारे नौजवान ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे। हमें जज्बात में बहना नहीं है, हमें जज्बात में बहना नहीं है, अपने आप को काबू में रखना है, होशो हवास में रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करना है, मुनासिब तदबीर और मुनासिब मंसूबा बंदी पे भी अमल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की, पूरी मिल्लत इस्लामिया की इस्लाह फरमा दे, हमारे जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा दे, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा ईमान बिल खैर पे हो। वमा अलैना इल्ला